बड़ी खबर आ रही है दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े घोटाले मामले में। ईडी ने जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों को ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। तो ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लगातार एक्शन हो रहे हैं और अब जल बोर्ड से जुड़े मामले में दो लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ हुई और अब आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ। शंकर, क्या जानकारी, क्या आप दे? निश्चित तौर पे देखिए पंकज, आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है और जिस तरह से कल देर रात में दो आरोपियों को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, जिसमें कि जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल, इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े स्कैम मामले में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अनिल कुमार अग्रवाल की अगर बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्टर है और दूसरा जो जगदीश कुमार अरोड़ा है ये चीफ इंजीनियर रह चुके हैं। और जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड की अगर बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड के मामले में पिछले कुछ समय पहले ही CBI के द्वारा एक केस रजिस्टर किया गया था और बाद में उसी केस को जांच एजेंसी ईडी ने उस केस को टेक ओवर किया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी और तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और उसी के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और आज 10:30 बजे इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की रिमांड ली जाएगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जल्द ही कुछ और बड़े लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए।